नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, अपना चैनल है, और इस चैनल से भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी झारखंड के एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो जरूरी होंगे, वो सारे वीडियो, क्वालिटी के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन उसके पहले, जैसा कि आप मुझे अक्सर देखते हैं खोलठा के साथ या खोलठा लेक्चर्स के साथ, मैं आप लोगों से मुखातिब होता रहता हूं, तो आज के ही सेशन में भी मैं आप लोगों के सामने खोलठा को ही लेकर के आया हूं, खोलठा विषय को पढ़ाने को लेकर के ही उपस्थित हुआ हूं। और आज हम लोग दोस्तों, चूंकि ये इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मजेदार टॉपिक के साथ ही शुरू किया जाए, और कुछ ऐसा टॉपिक हो जो आपसे भी रिलेट करे और जो जीने का थोड़ा सा अंदाज भी हमें बताए। तो ये एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, बूढ़ी और ओकर नाती। ये देखो, आप बुढ़िया को देख रहे होगे, इसके बगल में हम हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये आशीर्वाद दे रही है, पर ये आशीर्वाद नहीं दे रही बुढ़िया, ये किसी को बुला रही है, मदद के लिए पुकार रही है। होता क्या है कि एक गांव है, उस गांव में बूढ़ी अपने नाती के साथ रहती है, और नाती के साथ कई समस्याएं आती हैं, मतलब समझो कि जान जाने वाली स्थिति आ जाती है। मगर उसके बाद उसके साथ क्या होता है, इसको समझने के पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ दोस्तों, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, यानी कि जिसको जिसको हिफाजत करने के लिए स्वयं ईश्वर आ जाए, जिसकी हिफाजत के लिए स्वयं खुदा आ जाए या खुदा खड़ा हो, उसको कोई क्या बर्बाद कर सकता है, उसको कोई क्या मिटा सकता है। ये जो लोक कथा है कहीं ना कहीं इस शायरी पे फिट बैठती है, इस शायरी पे फिट बैठती है। नाती के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसका जान जाने वाला था, जान जाने वाला था। कैसे जाने वाला था यह हम आपको अंदर में बतलाएंगे, सारा पैकेट एक बार खोलना ठीक नहीं है, पर वो बच जाता है क्योंकि उसकी किस्मत में ही बचना लिखा था। और बचना ही नहीं, उसकी तकदीर भी बदल जाती है, और इतनी बदल जाती है कि वो रंक से राजा बन जाता है, गरीब से अमीर बन जाता है, बदहाली से खुशहाली में पहुंच जाता है। तो ये सब कैसे होता है, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ तस्वीरों को देखो, आप उस कुछ तस्वीरों को देखो। जैसे ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ भैंसे हैं, और इन भैंसों पे एक लड़के को देखो कि काफी आराम और मस्ती के साथ इस पे लेटा हुआ है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो भैंसों की सवारी किए होंगे, बड़ा आनंद आता है, मैंने तो कर रखा है, बड़ा मजा आता था। अब ये सब तो खत्म ही हो गया, युग बदलने के साथ सब कुछ बदल गया। ये एक तस्वीर है, ये 6-7 साल का एक लड़का है, ये कोई और नहीं है, ये उस बुढ़िया का नाती है जो अभी आपने देखा भैंसे पे सवारी कर रहा था। इसके पश्चात देखो, ये जो बुढ़िया है, ये गरीब बुढ़िया है। अब गरीब बुढ़िया तो ऐसे ही होगी भाई, कैसी रहेगी गरीब बुढ़िया, बेचारी के पास में ना अच्छे वस्त्र है, ना अच्छा घर है, और काया तो इसका लूट ही चुका है बेचारी का, बूढ़ी हो गई है तो सूख गई है पूरा। लेकिन फिर भी अपने नाती को ये पालती पोसती है और स्वयं का भी गुजारा करती है जंगल जा करके। देखो, जंगल से लकड़ियां वगैरह लाती है, दोना पत्ता वगैरह लाती है, दोतन वगैरह लाती है, और अपना कंदमूल फल वगैरह ला करके गुजर बसर करने का काम करती है। ये बुढ़िया एक दिन गई जंगल, और जंगल जाने के बाद इसने क्या किया, लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को जमा करना स्टार्ट किया, और जमा करने के बाद उसका बंडल बना ली, गट्ठर बना ली। अब उस गट्ठर को उठाने लगी, लेकिन उठाने के, अब इतनी बूढ़ी देखो, कितनी बूढ़ी है, और ये गट्ठर को देखो कितना, हालांकि ये जो लेकर के जा रही है वो कम नहीं है, देखो कितना भारी लेकर के जा रही है, लेकिन इस बार इसने जो गट्ठर बनाया वो कुछ ज्यादा ही भारी बना दिया। अब इतना भारी बनाया कि उठा पाना संभव नहीं था, तो उसने किया क्या, उन गट्ठरों को उठा नहीं पा रही थी, बार बार कोशिश करे मगर हार जाए। हर बार मोटिवेशन तो काम नहीं आता, अब कितनों भी विवेक बिंद्रा चिल्ला दे, जोर जोर से बोल ले, लेकिन भाई जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना ही काम कर सकेगा ना, अत्यधिक नहीं कर सकता भाई, लिमिट है ना, बंधन है, मर्यादा है हर एक चीज। अब ये बुढ़िया बेचारी गट्ठर तो बना लेती है जंगल जाकर के, मगर उठा नहीं पाती, तो ये मदद के लिए जीव जंतुओं को पुकारने लग जाती है, आवारे जीव जंतु। और कहां के जीव जंतु, तो जंगल में है, तो जंगल के जीव जंतुओं को पुकार रही है। तो जीव जंतुओं को जब पुकारी तो एक बाघ अचानक से बुढ़िया के पास आ जाता है। देखो, ये बाघ है और ये बाघ बुढ़िया के पास आ गया। अब बुढ़िया के पास आकर के बाघ कहता है कि क्यों बुला रही हो, क्या तुमको मदद चाहिए, बोलो। तो बुढ़िया ने बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे बात है। बाघ को देख करके पहले तो डर गई, अब बाघ आपके सामने आ जाए, हिंसक पशु,
अरे खतरनाक पशु जिसको हम कहते हैं, तो क्या हाल होगा, और ऊपर से बूढ़ी, जवान रहे तो कहे भी जाए, जवान भी एकदम हालत बिगड़ जाएगा जवान का भी। लेकिन बुढ़िया का यहाँ पे जब आह्वान सुन करके बाघ आया तो बुढ़िया डर गई, मगर बाघ आकर के कहता है कि बोलो क्या दिक्कत है। तो बुढ़िया ने कहा कि देखो ये लकड़ियों का गट्ठर है, इसे मैं उठा नहीं पा रही, तो थोड़ी मदद कर दो। हमारे यहाँ खुरठा में क्या होता है ना कि अगर कोई सामान है, भारी सामान है, उसको उठाने के लिए मदद करने वाला आता है, मदद करके क्या करता है, उसको उठा करके जिसका सामान है उसके माथे पर रख देता है। तो इसके लिए खुरठा का एक शब्द इस्तेमाल होता है, अलगाना। क्या करना? अलगावेक, 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 हम लोग अलगाना कहेंगे। तो बाघ लकड़ियों का गट्ठर अलगावे ले तैयार हो जाता है, अलगाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि उसको उठा करके इसके सर पे, बुढ़िया के सर पे रखने के लिए तैयार हो जाता है। मगर कहता है कि देखो बुढ़ी, मैं बहुत भूखा हूं और भूखे होने के कारण तुम्हारा मैं मदद तो कर दूंगा, मगर बदले में तुम मुझे क्या दोगी, बोलो। अब बुढ़िया डरी हुई थी, बोलती है कि अरे बाघ, मैं तो ठहरी गरीब बुढ़िया, अब मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, बोलो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो तुमको दे सकूं। मैं एक तो बूढ़ी हूं, ऊपर से मैं गरीब भी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है बाघ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो बाघ सोचता है, अपना दिमाग लगाता, बोलता अच्छा ऐसी बात है, तो तुम बतलाओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। तो बुढ़िया बोलती, मेरे घर में एक सोना लखे नाती कहेगा, मतलब होता है बहुत प्यारा, बहुत दुलारा, समझ रहे। तो बोलती है कि हमारे घर में एक हमार सोना लखे नाती है बाघ, यार क्यों कोई नहीं है हमारे घर में, यानी मेरे घर में कोई भी नहीं है। अब बुढ़िया की बात सुनकर के बाघ कहता, अच्छा तो फिर एक काम करो, मदद के बदले तुम अपना नाती मुझे दे दो। तो बुढ़िया सकपका जाती, डर जाती, बोलती ना ना ना, हम अपना नाती तुमको कैसे देंगे, हम अपना नाती तुमको नहीं दे सकते, मेरा बड़ा दुलारा प्यारा नाती है, सोना लखे नाती है मेरा, सोना लखे मतलब सोना कीमती चीज है ना, मतलब बहुत प्यारा, बहुत दुलारा नाती है मेरा। अब बुढ़िया की बात सुन करके बाघ दूसरा तरीका अपनाता है, कहता कि बुढ़िया सुन, तुमको ही खा जाएंगे हम, समझ रही है ना, नहीं छोड़ेंगे तुमको, तुम ही को खाएंगे हम, अगर तुम हमको अपना नाती नहीं दोगी तो, बोलो। अब बुढ़िया दिमाग लगाती, बोलती अरे ये तो फंस गए, चित्त भी इसका पट भी इसका, मेरे लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाला काम हो गया। बुढ़िया ने सोचा, चाहे तो आज ये हमको खा जाएगा, चाहे तो ये मेरा नाती को खाएगा, खाना तो तय है। लेकिन वो सोचती है कि एक काम करते हैं, अभी इससे झूठ बोल देते हैं, और झूठ बोल करके इसका मदद ले लेते हैं, एक दो सप्ताह के बाद बाघ है भूल जाएगा, जानवर है कितना याद रखेगा। तो बुढ़िया उसको धोखा देती है और बोलती है तुम्हारा हम क्या करेंगे, अपना नाती सौंप देंगे, एक काम करना तुम मेरे घर आना, हम बाहर खटिया पे अपने नाती को तेल वेल मालिश करके रखेंगे, उसके बगल में हम भी रहेंगे, तुम आना उसको लेकर के चले जाना। बाघ बोलता बुढ़िया कहीं तू उनको धोखा तो नहीं दे रही है ना। तो बुढ़िया बोलती है कि देखो तुमको धोखा नहीं दे रहे, तुमको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा, अगर तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो नहीं करो, मेरी बातों का तो विश्वास करना ही होगा। अब बाघ के पास कोई उपाय था नहीं, तो उसने बोला चलो ठीक है तुम पे भरोसा कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। बाघ भरोसा कर लेता है, अब बुढ़िया की मदद कर, बुढ़िया लकड़ियों का गट्ठर लेकर के अपने घर आ जाती है, मगर बुढ़िया ने तो चाल चला था, उसने तो झूठ कहा था। अब वो क्या करती है कि बाघ को अपना नाती सौंपती ही नहीं है, वो चुपचाप रहती है, उसने ठान लिया एक दो सप्ताह जंगल जाएंगे ही नहीं। बाघ बेचारा बार बार आता, खड़ा रहता इसके घर के सामने में छुप करके, और ये इंतजार करता कि कब उसकी बुढ़िया जो है उसके नाती को कब सौंपेगी, मगर वो तो सौंप ही नहीं रही थी। एक दो सप्ताह होने के बाद बुढ़िया ने सोचा कि अब तो बाघ भूल गया होगा, तो अब फिर से जंगल जाते हैं, क्योंकि उसका गुजारा तो जंगल से ही चलता था। एक दो सप्ताह के बाद जंगल जब बुढ़िया गई तो बाघ अचानक से उसके पास आ धमका, बोला बाघ है बुढ़िया, तुमने तो हमको अच्छा धोखा दिया, तुम तो बड़ी धोखेबाज निकली। अब क्या हुआ, जब यह बात हुआ तो बाघ बोला कि अब तुमको हम खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो अब बुढ़िया के सामने फिर स्थिति खराब हुई, पूछा कि क्यों धोखा दी बताओ हमको। तो बताई देखो बाघ, हम बड़े थक गए थे, और थक करके हम गए तो सो गए, हमको पता ही नहीं चला, हमको याद ही नहीं आया कि हमको नाती भी तुमको देना था, हम भूल गए, गलती हो गया मेरे से, एक काम करो इस बार तुम आना, इस बार हम जरूर अपना नाती तुमको दे देंगे। और इस बार बुढ़िया ने जैसा कहा था वैसा ही किया, बाहर निकाल करके खटिया पे आराम से अपने नाती को तेल मालिश करके सुला देती है, उसके बगल में दिया जला करके बैठ जाती है। बाघ आता है और खटिया समेत उसके नाती को लेकर के जंगल में चला जाता है। अब जंगल जाने के बाद उसका नाती बचता कैसे है, उसका नाती राजा कैसे बनता है, आखिर देखो कितनी गरीबी में जी रहा था उसका नाती, 6-7 साल का था, आखिर होता क्या है,
कैसे कैसे उसका नाती बड़ा होता है, कैसे वो नाती अमीर बनता है, कैसे वो नाती राजा बनता है, कैसे बुढ़िया के साथ उसका मिलन होता है, ये सब हम लोग जानेंगे कहानी में लाइन बाय लाइन शब्दावली के साथ। तो आइए हम लोग समझते हैं आज के इस सेशन को, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरों को देखो। ये देखो, ये उसका लड़का है और आप देख रहे हैं नाती को कि वो भैंस का सवारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका नाती भैंसों के साथ जुड़ गया होगा, उसका नाती भैंसों के साथ जुड़ गया होगा। और ये जब वो जवान हो जाता है तो किस प्रकार से हट्टा कट्टा लगता है देखने में, ये एक उसकी झलकी है कार्टून के रूप में है, है ना। अब देखो इसके बाद इस तस्वीर को देखो, ये रानी है और रानी नहा रही है। रानी कैसे उसके जीवन में आती है, इस रानी के साथ उसका प्रेम कैसे होता है, ये भी जानेंगे। एक जंगल में रहने वाले लड़के का, देख रहे हो रानी, इसमें से रानी कौन है ये आपको गेस करना है, पर मैं बता दूं कि ये है रानी। कौन है, ये है रानी या ये है रानी, बताओ। कंफ्यूज करने वाला है ना, दोनों रानियां ही हैं याद रखना, पर इसमें से एक रानी के साथ उसका क्या होता है, एक रानी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलता है। इसके बाद ये है राजा। अब राजा क्या रिएक्ट करता है, कैसी प्रतिक्रिया देता है, ये भी लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे कहानी के अंदर में। और उसके बाद अंत में आप देखो, ये राजा रानी यानी कि उस लड़के का राजा जो है वो ब्याह करवा देता है अपनी बेटी के साथ, ये भी कैसे पॉसिबल होता है हम लोग कहानी में जानेंगे। तो आइए कहानी में चलते हैं, और कहानी में चलने के लिए फिर से हम लोग एक बार पोस्टमार्टम करते हैं टॉपिक का, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, ग्रामर के सवाल आ सकता है। तो दोस्तों ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है आपका बूढ़ी औरोकर नाती। क्या लिखा है, बूढ़ी औरोकर नाती, ठीक है। अब यहां पे कुछ शब्द आ गए, जैसे बूढ़ी एक शब्द, ओकर और नाती, ये तीनों शब्दों से ग्रामर के सवाल बन जाते हैं और आपके एग्जाम में ये ग्रामर के सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले और भी समझ लो कि ये बूढ़ी और ओकर नाती क्या है, लोक कथा है। क्या है, लोक कथा है, लोक कहानी। लोक कथा किसको कहते हैं, वो कहानियां जो आपने दादी नानी दादा नाना और खास करके ऐसे लोगों से सुना जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिन्होंने अपने दादा दादी अपने माता पिता से कहानियां सुनी और वो सुनी कहानियां आपको सुना डाली। तो ऐसी कहानियां जो मौखिक रूप से परंपरागत तरीके से एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चलती आई हैं, इन कहानियों को हम लोग लोक कथा कहते हैं। ये लोक कथा मौखिक रूप में प्रवाहित होती है, लिखित रूप में नहीं। जैसे अन्य कहानियां आपने देखा उसको क्या करता है, लेखक लिखता है और लिखा हुआ कहानी धीरे धीरे लिखा हुआ रहता है तो लिखित रूप में प्रवाहित होता है। लेकिन लोक कथा लिखित नहीं, मौखिक रूप से। जैसे आप सुने, आपको याद हो गया, आपने किसी को सुनाया उसको याद हो गया, फिर वो किसी को सुनाया, ऐसे चलता रहता है। और जब इस लोक कथा को कोई व्यक्ति क्या करे, अपने कलम से यानी अपने तरीके से अपने शब्द देकर के लिख डाले, तो उसको हम लोग संकलनकर्ता कहते हैं, लिपिबद्धकर्ता कहते हैं, उसको जोगाड़ू कहते हैं, उसको जोहड़वैया कहते हैं। किसको, खोलठा में जो लिपिबद्ध करता है, जो लोक कथा को अपना कलम दिया है यानी जिसने लोक कथा पे अपना कलम चलाया, पेन चलाया, लिखने का काम किया, उसको याद रखना। इसको हम लोग लेखक नहीं कहते, लिपिबद्धकर्ता कहते हैं, संकलनकर्ता कहते हैं, संपादक कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं किस चीज का, हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों किसका, तो इसके शीर्षक का, है ना, इसके शीर्षक का। तो यह है शीर्षक, बूढ़ी औरोकर नाती। अब यहां बूढ़ी शब्द में अगर आपको पूछे कि बूढ़ी जो है वो व्याकरण का कैसा शब्द है, तो बूढ़ी संज्ञा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। और बूढ़ी से पूरी बूढ़ी जाति का पता चल रहा है, तो ये किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा, जायतवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखना। अगर पूछ दे कि बूढ़ी कैसन संज्ञा है, तो जायतवाचक संज्ञा है। अब बूढ़ी से बूढ़ी, एक बूढ़ी से बुढ़ारी, बूढ़ी से बुढ़ारी, बुढ़ारी बनता है ना, तो बुढ़ारी क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो जाता है, याद रखना, भाववाचक संज्ञा। तो अगर संज्ञा शब्द बूढ़ी को भाववाचक संज्ञा में बदलने बोले, या बूढ़ा को भाववाचक संज्ञा में बदलने बोले, ऐसा ग्रामर का सवाल बन जाएगा। बोलेगा कि बूढ़ी संज्ञा शब्द के, बूढ़ी संज्ञा शब्द के भाववाचक संज्ञा में क्या करा, बदला। तो बदलने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, एक ऑप्शन रहेगा बुढ़ारी, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखो ओकर, ओकर, ओकर का क्या मतलब होता है, ओकर का मतलब होता है दोस्तों उसका, उसका, याद रखना, ओकर मतलब उसका। अब देखो ओकर किससे बना है, ओकर, तो इसमें ऊ, ऊ देख रहे ना, ई ऊ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये सब, तो ई ऊ, एक ई हो गया आपका नजदीक का प्रोनाउन
जो नजदीक बतलाता है, नजदीक की वस्तुओं को बतलाता है, उ दूर की वस्तुओं को बतलाता है, है ना। तो उ में क्या कर दिया गया, उ में र जोड़ दिया गया। अब ये र देखो, ओकर, ठीक है, उ से उसका, और ओकर का हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, उसका। अब इसमें र संबंध कारक विभक्ति रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, उसे ओकर बन जाएगा। और ओकर क्या है, संबंध कारकीय रूप है, किसका, उ का। उ सर्वनाम है आपका, याद रखना उ क्या है, सर्वनाम है। तो इस सर्वनाम का, उ सर्वनाम का संबंध कारकीय रूप क्या होता है, ओकर होता है। यहां से भी सवाल बन जाता है कि उ सर्वनाम का संबंध कारकीय रूप बतलाइए, तो ओकर हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो उ से बना ओकर और नाती, तो नाती भी आपका क्या है, कैसा संज्ञा शब्द है, यह एक संज्ञा शब्द है। और नाती भी किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, तो ये आपका हो जाता है जातिवाचक संज्ञा शब्द, याद रखना जायतवाचक, क्या हो जाएगा, जायतवाचक संज्ञा शब्द। तो ये रहा आपका टाइटल का पोस्टमार्टम, क्या रहा, टाइटल का पोस्टमार्टम रहा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सब समझ में आ रहा है ना। देखो सिर्फ कहानियों का मजा नहीं लेना है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये मत भूलना, और खास करके जेएसएससी सीजीएल यानी कि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको ग्रामर में भी बतलाऊंगा, पर यहां पे है तो बतला दे रहे, क्या दिक्कत है मेरा। कौन सा कलम का इंक जा रहा है भाई, ये तो सब डिजिटल है, इसमें तो कुछ जाता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो बूढ़ी और ओकर नाती क्लियर है, इसका अगर हम लोग हिंदी करें तो बूढ़ी और उसका नाती, क्लियर। देखो इस लोक कथा के जो संकलन करता है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दोस्तों अरविंद कुमार। यहां से भी सवाल बनेगा, अरविंद कुमार, ये भी याद रखना। अरविंद कुमार का लिखा हुआ तो नहीं कहेंगे, अरविंद कुमार का कलम चलाया हुआ, अरविंद कुमार का लिपिबद्ध किया हुआ लोक कथा है, जिसका शीर्षक है बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ी और ओकर नाती, क्लियर। अब जरा सा हम लोग इसको क्या कहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो क्या होता है, एगो गांव में एगो बूढ़ी रह रही, एक गांव था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी, ओकरा बेटा पुतहु तो खाली एगो सोना लखे नाती रहे, सोना लखे हेवे, ये देखो ये भी याद रखना, सोना लखे हेवे, ये क्या है, ये मुहावरा है, सोना लखे हेवे। अब यही सबको निकाल देता है और पूछ देता है, सोना लखे हेवे क्या है, मुहावरा, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है, सोना लखे हेवे। अब कोई सोना जैसा हो सकता है, कोई इंसान सोना जैसा हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता ना, ये तो असंभव बात है ना। तो असंभव बात यहां पे लिखा हुआ है, तो ये किस रूप में है, मुहावरा रूप में है, याद रखना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। तो एक बुढ़िया थी, उसका बेटा पुतौ कोई भी नहीं था। अच्छा बेटा पुतौ, अगर बेटा पुतौ के बारे में पूछ दे कि ये किस प्रकार का समास है, ऐसे भी सवाल बन सकता है। हालांकि आपको कहानी में ले जाएंगे, ज्यादा ग्रामर में भी नहीं रखेंगे, पर थोड़ा सा देख लो, बेटा पुतौ के बारे में अगर आपको पूछ दे तो दोस्तों याद रखना कि ये जोड़ समास है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास भी कहते हैं, याद रखना, जोड़ा समास है बेटा पुतौ। तो ग्रामर के भी आपने बहुत सारे सवाल देख लिए, और किस प्रकार के मुहावरा पूछ सकता है, किस प्रकार ग्रामर बना सकता है, आप शीर्षक में भी देख रहे हैं, कहानी में भी देख रहे हैं, और चीजें आपको हम डिटेल से बतलाएंगे, पर हम लोग थोड़ा सा कहानी का आनंद लें। तो यहां समझना, और जो मैंने कहा ये कभी मत भूलना कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कहानी का ही मजा नहीं लेना, कहानी को समझना है, लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द समझने का प्रयास करना। तो लिखते हैं कि बूढ़ी का बेटा पुतो कोई भी नहीं था, यानी कि बुढ़िया एकदम अकेली थी, उसके पास में केवल उसका प्यारा दुलारा नाती था, और नाती का उम्र 6-7 साल था, 6-7 बछर हले, यहां पे हले होगा, हते आ गया है हले। तो नाती का जो उम्र था वो 6-7 साल था, वो बूढ़ी रोज बोन पत्ता दोता झूरी काठी और बोन से कंद मूल यांतली और ओकरे से गुजर बसर कर हले, यानी कि इसका गुजर बसर करने के लिए जो साधन थे वो जंगली वस्तुएं थे, यानी कि ये पूरी तरह से कहां पे निर्भर थी, अपने गुजर बसर के लिए जंगल पर निर्भर थी। आज भी देखो आप जो आदिवासी हैं, जो जंगलों के जो और खास करके जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स हैं, वे आदिम जनजाति हैं, आज भी उनका जीवन पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर है आज भी। और झारखंड में आपको मालूम है कि टोटल 32 जनजाति है, जिसमें 24
है वो मुख्य धारा में तो लौट आए हैं, पर आठ आज भी अपना इनका जीवन जो है वो जंगलों पे ही निर्भर करता है। जैसे इस बुढ़िया का जीवन बसर चल रहा है, पूरा जंगल से दत्तों लाना, झूरी काठी लाना, कंदमूल फल लाना, सब जंगल ही जंगल। तो अगर सवाल बन जाए कि बुढ़िया का गुजारा कैसे चलता था, तो इसका गुजारा जंगल से चलता था, याद रखना। किसी को यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जरा सा समझो आगे क्या लिखता है। आगे लिखता है कि एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तर बांध तो दे दी, मुदा अलगावे नाई पारी। अब एक दिन वो जंगल तो गई, और जंगल जाने के बाद में क्या हुआ कि उसने खूब सारा झूरी काठी लकड़ी वगैरह जमा कर लिया, और जमा करके उसको बांध तो दिया, यानी कि गट्ठर तो बना दी। लेकिन बनाने के बाद क्या हुआ कि वो अलगावे है नाई पारी, अलगावे है नाई पारी मतलब उसको उठा करके अपने सर पर रख ही नहीं पा रही है, उठा करके अपने सर पे रख ही नहीं पा रही है। तो अलगाने के लिए, यानी कि उसको उठा करके अपने सर पे रखने के लिए मदद की आवश्यकता थी। तो घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, बार बार, घड़ी घड़ी मतलब बार बार कोशिश करती है। अब ये घड़ी घड़ी आता अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो घड़ी घड़ी यानी कि बार बार कोशिश करती है, मुदा हार गेली। अब बुढ़िया बेचारी, ताकत कम हो गया उसका, उम्र भी तो हो गया है ना, कितना ताकत रहेगा शरीर में। तो कोशिश कर रही है, वो हार जाती है, बेचारी हार जाती है मतलब नहीं उठा पाती है। वो डाक देके कहली, यावारे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। और उसने आवाज लगाया, उसने कहा कि आवारे जीव जंतु और मेरी मदद करा, मुझे मेरी मदद करो। कौन आवाज लगा रही है? बुढ़िया आवाज लगा रही है, कठिया दारे, कठिया मतलब जो लकड़ी है, लकड़ियों का मेरा जो गट्ठर है उसको अलगा दो रे, कोई कोई आओ मेरी मदद तो करो। बूढ़ी एक डाक सुनिए, वो बाघ आए धमकन। अब देखो क्या हुआ, बूढ़ी का आवाज सुन करके एक वो बाघ आ गया, समझ लो बाघ आ गया बूढ़ी के पास में, और कहला है हाँ कठिया अलगा दे, हमरा की दे। बाघ आया, बाघ ने कहा कि बुढ़िया सुनो, तुम्हारा तो लकड़ी हम अलगा देंगे, उठा देंगे, मदद कर देंगे तुम्हारी, लेकिन तुम हमको दोगी क्या, क्या दोगी बोलो। तो बूढ़ी हाथ जोड़ करके कहली, ये बाघ दुखी हो से की दिए पापा, बाघ फिन कल है तोर घर कौन कौन हथुन। बाघ भी बहुत चालाक है, बुढ़िया ने कहा कि मैं तो गरीब दुखी हूं, और गरीब दुखी क्या दे सकती है आखिर, जिसके पास खुद कुछ नहीं है, जो खुद कंगाल है वो दूसरे को भला क्या दे सकता है, कुछ तो होना चाहिए ना देने के लिए। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो गरीब दुखी क्या दे सकती हूँ। तो उसने कहा कि बताओ तुम घर कौन कौन है। तो बूढ़ी बताती है कि जे हमार बेटा, जे हमार बेटा बेटा बेटी कोई ना है, खाली एक गो नाती है। बुढ़िया ने साफ साफ बता दिया जो सच बात था। बुढ़िया ने कहा कि मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है बाघ, घर में केवल एक मेरा नाती है। तो बाघ ने कहा, तखन मतलब तब बाघ ने कहा, अच्छा ठीक नतिया देवे तो अलगाए देवो। बुढ़िया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नाती दोगी तो मैं क्या करूंगा, अलगा दूंगा। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सकपकाई गेली, मतलब डर से एकदम कांप गई बुढ़िया, सकपकाई गई मतलब डर से एकदम कांप गई। तो बुढ़िया बाघ का ये जो फरमाइश सुन करके कि मुझे नाती दे दो, ये उसका फरमाइश था। अब कोई अपने जान से प्यारे नाती को दे सकता है? और बूढ़ी बूढ़ी तो और प्यार करती हो तो एकदम नहीं दे सकती। लेकिन इस कहानी में देखना क्या मरता क्या न करता वाला स्थिति हो जाएगा बुढ़िया के साथ में। तो फरमाइश सुन करके बुढ़िया सक पका जाती है, कांप जाती है, कहती है नाई बाघ हमारे यके को सोना लखे नाती है। अब देखो फिर से यहां सोना लखे नाती शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सोना लखे है वे मतलब क्या होगा, सोना लखे है वे मतलब क्या होगा, अगर आप बाद में देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना। सोना लखे है वे मतलब होगा बहुत प्यारा होना, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, एक मुहावरा है। तो उसने कहा कि मेरा नाई बाघ, मेरा तो एक ही प्यारा सा नाती है, अगर मैं तुमको वो दे दूंगी तो हमें की करब, मैं क्या करूंगी, मतलब मैं क्या करूंगी। बाघ फिन कल है नाय तोरा नतिया दी है बेताओ, और नाय देबे तो तोरे खे बोले। बाघ ने कहा कि नाती तो तोरा देना ही होगा, और अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुम्ही को खा जाएंगे, बुढ़िया छोड़ेंगे ना तोरा। अब बुढ़िया का स्थिति वही, आगे कुआं पीछे खाई, किधर जाऊं भाई किधर जाऊं भाई, हमरा बड़ी जोर भूख लगल है, हमको भूख लगा है बहुत कसका बुढ़िया, न मानेंगे हम तुमको ही खा जाएंगे। अब बुढ़िया क्या करती, आप सोचो बुढ़िया क्या कर सकती, ऐसे जगह में आप होते तो क्या करते। तो बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, फेरा में फंस जाए मतलब मुसीबत में फंस जाना। तो बुढ़िया तो फेरा में फंस गई, मुसीबत में फंस गई। अब वो ना तो हाँ कह सकती थी और ना तो ना, वो निन्ना फंस गई, ने हाँ कह पा रही ने ना, अब तो वो ना हाँ कह सकती थी और ना कह सकती थी। उस सोच ली अखन हाँ कही दे ही है, फिर मटियाई देबे। बुढ़िया ने सोचा
कि अभी एक काम करते हैं, हाँ बोल देते हैं, बाद में मटिया देंगे। मटिया देंगे मतलब चुप्पी साध लेंगे। कौन सा ही बाग लंबे समय तक याद रखेगा, इंसान थोड़े है। अब दर्शन देवे नहीं करवे, दिमाग लगा ली बुढ़िया, हम दर्शन नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। कुछ दिन बाघ बुलाए जाए तब बोन आवब, यह सोच बाघ के हाँ कही देली। और ने सोचा कि कुछ दिन जब बीत जाएगा ना तब हम जंगल आएंगे, तब तक बाघ क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। और इतना सोच करके बुढ़िया थोड़ा सा शांति होता और बोल देती, हाँ ठीक है जाओ तुमको अपना नाती देंगे। हाँ बोल दी वो, बाघ काठी अलगा दे और कहला है हमें कैसे विश्वास करियो कि तो नाती देवे। बाघ सोचा कि बुढ़िया हाँ बोली है, कहीं लफड़ा तो नहीं है। बुढ़िया को पूछा बाघ, अच्छा एक बात बताओ बुढ़िया, तूने हाँ तो कहा लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं कि तुम मुझे अपना नाती दोगी। तो बुढ़िया बोली विश्वास तो करे अब तो बाघ, जखन सब सुत जीता हमें अपन नाती तेल उल लगाए के खाटी सुताए देवे और हुए दिया लेके हमू रहो तो आए जी है। बुढ़िया ने साफ साफ कहा देखो बाघ तुमको विश्वास करना होगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। और सुनो जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, अपने नाती को तेल वेल लगा दूंगी और लगा करके खाटी पे सुला दूंगी और वहां पे मैं दिया लेकर के क्या करूंगी, वहीं पे रहूंगी, तू माना और आ करके क्या करना मेरे नाती को ले जाना। अब बुढ़िया की बात सुन करके बूढ़ी घर चल गई, उठा दिया, मदद कर दिया, बूढ़ी घर चली जाती है, खाए पी चुपचाप घर भीतर सुत गली। बाघ आयल आस पहर देखल, जब भिनसोरिया हवे लागल तो गोसाई के बोन घुर जाए, अब बार बार घूर जाए। अब हुआ क्या कि बुढ़िया तो घर आ गई लेकिन वो खा पी के चुपचाप सो गई, बुढ़िया मटिया दी एकदम चुपचाप सूत गई। और बाघ आया आस पहर देखा, मतलब खूब इंतजार किया, इंतजार करने के बाद खूब आसरा देखा, लंबे समय तक वेट किया। जब भिनसोरिया होने लगे मतलब सुबह जब होने लग गया तो क्या हुआ, वो गुस्सा के यानी गुस्सा हो गया उसको और गुस्सा होकर के वो जंगल की तरफ चला गया। उसके साथ तो धोखा हुआ था तो बाघ गुस्साएगा नहीं, अब बाघ है तो क्या उसके में फीलिंग नहीं है, बुढ़िया का फीलिंग और बाघ का फीलिंग नहीं है। अब बुढ़िया बाघ गुस्सा गया और गुस्सा करके कहां चला गया, जंगल चला गया। हफ्ता दो हफ्ता बाद बुढ़ी सोच ली, हफ्ता दो हफ्ता जब बीत गया तो बुढ़ी ने क्या सोचा, अच्छा ये पीछे आ गया ना कोई बात नहीं, हफ्ता दो हफ्ता बुढ़ी सोच ली जे आप बाघ भुला गए तक वो फिन बोन गेली बाघ ताक लगाए हल। अब देखो बुढ़िया ने तो यही सोच के उसको हाँ बोला था ना कि बाघ एक दो हफ्ता के बाद भूल जाएगा, तो एक दो हफ्ता बाद बुढ़िया क्या कि फिर से वापस जंगल गई। तो बाघ तो भाई ताक लगा के था यानी कि इंतजार में था, वो कुदले बूढ़ी जगुन और वो दौड़ के बूढ़ी के पास आए धमकल, मतलब दौड़ के बूढ़ी के पास आ गया और आ करके बूढ़ी का आर कहले, बूढ़ी से कहा कि वाह बूढ़ी तो हमारा बेस धोखा दे ले। वाह बूढ़ी वाह, तुमने तो मुझे अच्छा धोखा दिया, अब हमें तोरा नहीं छोड़वाओ, आज तो तोरा खाइबे करो। अब बुढ़िया बोला बुढ़िया हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, आज तो तुमको खाइए जाएंगे बुढ़िया, है ना। तो बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली हमें तोरा धोखा नहीं दे लियो बाघ, थकल हारल हलो से कखने नींद आ गेलो हमहू नहीं जान। बुढ़िया ने बाघ से कहा कि देखो बाघ मैंने तुमको धोखा का नहीं दिया, क्या हुआ ना मैं बहुत थक गई थी और थक जाने के कारण मुझे कब नींद आ गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला, समझ रहे हो ना, तो मेरा थोड़ा सा समझो भरोसा करो मेरे पे। तो आए जे हो बाघ हमें अपन नातिक तेल लगाए सुताए दे ले रहा, बाघ मान गए। बुढ़िया ने कहा कि सुनो एक काम करो, बुढ़िया ने जब हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लिया बोला कि मुझसे गलती हो गया बाघ, तुम आ जाना आज मैं अपने नाती को तेल वेल लगा करके सुला दूंगी, तुम अपना काम कर लेना। बाघ मान जाता है, कहले ठीक है अबरी धोखा छोड़ दे, अबरी धोखा दे ले तो जही पैबो भैजो। बाघ ने कहा कि इस बार तो तुमको छोड़ देते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम तुमको जहां पकड़ेंगे वहीं खा जाएंगे, बहुत चालाक हो तुम, बहुत बदमाश हो, अगर तुम धोखा दी ना तो तुमको हम जहां पाएंगे वहीं पे खा जाएंगे। यानी कि बाघ दूसरा चांस बुढ़िया को दे देता है। अब दूसरी बार बुढ़िया धोखा देती है कि दूसरी बार बाघ के साथ न्याय होता है ये हम लोग देखते हैं। इतना कहा बाघ फिर काठी अलगा दे है और बुढ़िया छोड़ दे, इतना बाद फिर से बाघ जो है वो बुढ़िया का काठ जो है वो अलगा देता है, मदद कर देता है उसको काठ उठाने में और फिर वो चला जाता है। बुढ़ी घर एली और खूब सोचने लगली की करो, ना देवे तो हमरे खेतक, कोई उपाय ना सूझे। अब बुढ़िया वापस जब घर आई तो उसने सोचा कि मेरे साथ तो मजबूरी है, हमको तो अपना नाती देना होगा, नहीं देंगे तो ये बाघ तो हमको ही खा जाएगा। तब नाती तेल उल मखाई के खाटियां सुताए दिलाए और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैस गली। तेल उल मखाई के मतलब तेल वेल एकदम मालिश करके, तेल लगा करके। क्या होता है बुढ़िया जो है जैसा वादा की थी कि हम अपना नाती को तेल लगा करके खटिया पे सुला करके रख देंगे और उसके बगल में दिया जला करके हम भी रहेंगे, तो हूबहू वही करती है
वहीं पे वादा के हिसाब से दिया लेकर के ये भी बैठ जाती है और नाती को तेल लगा के खटिया पे सुला दिए। बाघ आया और चेंगा खाटिया संग उठाए बोंदने भागल। अब बाघ आता है और आने के बाद उस बच्चे को क्या करता है, खाटी समेत उठा के जंगल की ओर भाग जाता है। बाघ भाग गया उसको लेकर के जंगल की ओर, भागते भागते मतलब सघन जंगल में घुस गए, घुस जाता है। अब एगो बोर गाछे जैर भूई से सटेत रहे। होता क्या है कि एगो बर पेड़ था। अब बर पेड़ में देखते हैं ना जड़े जो होती है एकदम उल्टा लटका हुआ रहता है और ऊपर से जड़ नीचे जमीन की ओर सटा हुआ रहता है, ऐसा लटकल रहता है ना जड़, तो उसी तरह से एक बर पेड़ था जिसमें बहुत सारी जड़े जो थी वो जमीन से, भूई मतलब क्या होता है, भूई मतलब होता है धरती, तो धरती से चिपका हुआ था, सटत रहे मतलब सटा हुआ चिपका हुआ। बाघ बोर गाछे नीचू दय गुजरल जाहले कि चेंगा जैर के पकड़ के टांगा गया। अब देखो बचाने वाला किसी न किसी तरह से बचा लेता है। कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वही बात हुआ, बाघ जो था ना उसी बर पेड़ के जड़ जो लटका हुआ जड़ था ना उधर से हो करके गुजरा। अब गुजरा खटिया पे बच्चा था, अब बच्चा क्या करता है जड़ को पकड़ लेता है, 6-7 साल का बच्चा है, मौका मिला पकड़ लिया। अब पकड़ करके बर पेड़ से लटके हुए जड़ों से वो क्या करता है अपने लटक जाता है और लटक जाने को ही खोलठा में हम लोग कहते हैं टंगाए गेल। अब बाघ पतो ना चल रहे उछ उछे खाटी ले ले चले जा ले। अब बाघ को पता भी नहीं चला वो छूछे खाली खाटी लेकर के जा रहा है, दौड़ते जा रहा है। चेंगा बिहान से साइंज वे है बोर गाछे बिता दे है। अब लड़का जो बोर पेड़ का जो जड़ लटका हुआ जड़ था उसको पकड़ करके लटका ही रह गया वही सुबह से लेकर के शाम पूरा बिता देता है। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागला। अब यहां पे देखो बिहान से सांझ हो है बोर गाछे बिताए दे है, मतलब कहीं ना कहीं भागते भागते वो जो बाघ था उसको सुबह हो गया था वो बोर पेड़ तक पहुंचते और सुबह से शाम हो गया तो सांझ वह बोर गाछे बिता दे। सूरज डूबे लागल तो बौन भैंसा आवे लागला और वह बोर गाछे तर और जेठिन ओखनी के बास रहे। देख के चेंगा आर सपेट गेल। अब होता क्या है कि जिस बर पेड़ के जड़ को पकड़ करके बच्चा लटका हुआ रहता है उस बर पेड़ के नीचे बोन भैंसा यानी कि जंगल के भैंस वो सबका यह आवास रहता है, वो वहीं रहते हैं उसी बर पेड़ के नीचे रहते थे वो सब। अब हुआ क्या कि जब शाम में लौटे तो देखते क्या है भैंसा साहब कि कोई बच्चा है और वह है बोर गाछे तर। अब सूरज जो बोन भैंसा साहब आने लगे तो देखे कि वो बच्चा जो है सबसे पहले तो बच्चा इन भैंसों को देखा और बच्चा जो है यहाँ पे एक शब्द आया सपट गेल मतलब डर से एकदम डर से चुप हो जाता है। भैंस बैठला और पागुर मारे लागला। अब भैंस सब आए अपना जगह पे जैसे रोज बैठते थे वैसे बैठे, बैठने के बाद अपना पागुर चलाने लगे। जानवर सबको देखा ना पागुर मारते, ये भी पागुर मारने लगे। लेकिन होता क्या है कि उन लोगों को सुनाई पड़ा किसी के सिसकने की आवाज, किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अब रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो सब मूड उठाए के ऊपर हाथ और देखो हाथ मानुष के चेंगा कांदे लागल है। वो सब सर उठा करके ऊपर की तरफ देखे तो क्या पाते हैं कि कोई इंसान का बच्चा है जो रो रहा है। उस सब चेंगा के हेठे उतर कहो मुदा चेंगा डरे उतरे ना। अब इन लोगों को देख, अब जो भाई होता क्या है ना कि जब आपको कोई डर आपके अंदर रहेगा ना तो हर चीज से आपको डर लगने लग जाएगा और हर अनजान चीजों से और डर लगेगा आपको। तो इनके लिए तो इसके लिए तो भैंसे सब भी अनजान थे, जंगल के भैंसे अनजान ही थे। तो बच्चा भैंसों को देख करके भी डर जाता है और जब वो लोग बोलते हैं भैंसा सब कि तुम एक काम करो बच्चा नीचे उतरो तो वो और डर जाता है, वो नीचे उतरता ही नहीं है। चेंगा मतलब बच्चा उस सब फिन काला हेठ है उतर बाबू काहे डरा है। उसने सब भैंसों ने कहा कि बच्चा तुम नीचे उतर जाओ, आखिर तुम क्यों डरते हो, हम लोग तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, हम इनको उन्होंने करवाओ हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे, मतलब तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम एक पिठिया बड़ी कड़ुआ है से खाली उतने करिए जखन हम इन दह तहमे बैठब तखन पिठिया रगैद दी है। बच्चे से भैंस ने कहा, भैंस साहब ने कहा कि सुनो देखो बच्चा तुम नीचे उतरो, हम लोग तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की एक समस्या है यार, समस्या ये है कि हम लोग जब पानी में दह तह में जाते हैं ना, पानी सब भैंस सबको तो भाई पानी में बड़ा मजा आता है, तो बोलता वहां ना पीठ में बड़ी खुजली होता है, तो तुम एक काम करना हमारी पीठ की खुजली को ये कर रहा शांत करने का काम करना, उसको ना खुजला देने का काम करना, उसको रगड़ करके रगड़ देना, बस हम लोग को इतना ही तुमसे चाहिए। और बदले में जब तुमको भूख लगेगा तो पत्ते का दोना बनाना और हामीने के दूध दूही के पी ली। भैंस ने कहा
कि जब तुमको भूख लगेगा तो पत्ते का दोना बना करके हमारा जो दूध है उसे दूह लेना, निकाल लेना, अब पी लेना, तुम्हारा भी काम हमारा भी काम, हम दोनों एक दूसरे के काम आ जाएंगे, क्यों डर रहे हो तुम, चलो हम लोग साथ में रहते हैं। तो चेंगा यानी कि उस बच्चे को, बुढ़िया के नाती को अब विश्वास हो जाता है कि भाई सब कोनो नाय करता, कोनो नाय करता मतलब भाई सब मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो हेठे नामल और भैंस के दूध पी पी के अखनी साथ रहे लागल। अब भैंसों के साथ इसका कनेक्शन सेट हो जाता है, अब भैंस इसको अडॉप्ट कर लिए, एक तरह से गोद ले लिए। अब ये भैंस के साथ बच्चा जो है वो पलने लग जाता है, उन्हीं का दूध पी पी करके ये रहने लग जाता है और धीरे 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 समय बीतते जाता है और जो बच्चा था वो अब बच्चा नहीं रहता, वो जवान हो जाता है। समय बीतते गेल चेंगाक रोमा पाइक झारे लगले, चेंगाक रोमा पाइक झारे लगले मतलब जो बचपन का नहीं दिखते बच्चा है, अब रोमा पाइक झारे लगले मतलब झड़ गया उसका, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये है भैंस के दूध पी पी चेंगा लाल भय गेल है। अब भैंस का दूध पी पी करके, जंगली भैंस का दूध पी पी करके क्या हो गया, पूरा लाल हो गया, मतलब हिस्ट पुष्ट हो गया, वो पूरा मजबूत हो गया वो, और मजबूत हो गया तो कोई टेंशन था नहीं, मजबूत हो गया तो कोई टेंशन था नहीं, देह भिसिंड लोहा तरी सकत भय गेल। भिसिंड मतलब एकदम मजबूत तगड़ा, जिसको हम लोग तगड़ा बोलते हैं, एकदम खली उली जैसे एकदम तगड़ा शरीर। आजकल कौन हो नहीं, क्या नाम है उसका जो एकदम उड़ के पंचवा मारता है, समझे ना, चल भुला गलियो कोई बात ना, वो भी ओकरे जैसा तगड़ा, ओकरो से बेसी तगड़ा हो गया एकदम जंगली, ठीक है। तो देही भिसिंड मतलब एकदम मजबूत तगड़ा, लोहा तरी सकत, सकत मतलब मजबूत हो गया, चुईल, चुईल मतलब उसके जो हेयर यानी कि सर के बाल थे वो कैसे हो गए, वो सोना लखे चमके लागले। अब जवान हट्टा कट्टा मजबूत तगड़ा और बाल सोना जैसे चमकने वाले हो गए, तो गते गते वो जुवान भय गेल। अब धीरे धीरे बच्चे से क्या हो गया, जुवान हो गया मतलब युवा हो गया। एक दिन वो नदी नहाल, एक दिन क्या कर रहा था, वो नदी में नहा रहा था तो ओकर एगो चुईल टूट गेल। अब देखो यहां सोना की तरह उसका चुल दिखता था, उसका जो हेयर यानी कि सर का बाल था वो सोने की तरह दिखता था। एक दिन नदी में नहा रहा था तो उसका एक बाल टूट जाता, तो वो क्या करता है, अब वो चुईल के पत्ते के बीरी में राख के बोहाय दिल के, अब वो क्या करता है, एक पत्ते लाता है, उसको मोड़ माड़ करके उस पत्ते के बीरी में अपना सोना जैसा चमकने वाला बाल रखा और रख करके उस पत्ते के साथ बना बहा देता है। बीरी यानी कि उस पत्ते का बना हुआ जो मोड़ माड़ करके पत्ते में बहाया हुआ था, वो पत्ते का बीरी बहते बहते नदी के दोसर धार चल गया। नदी के दोसर धार मतलब दूसरे किनारे पे चला गया, जहां एगो राजक बेटी नहा ली। अब देखो किस्मत कैसे बदलता है, किस्मत में अगर लिखा हो आगे बढ़ना तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देता है जो किस्मत से क्या करता है, लड़ता है, है ना, कायरों का साथ किस्मत नहीं देती। तो ये देखो बाघ से लड़ा था, जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है देखना इसके। तो इसका जो सोना की तरह चमकने वाला बाल था वो एक बाल टूटा तो पत्ते के बीरी में रख करके उसको बहा दिया, बहा देने के बाद वो नदी के दूसरे किनारे पे चला जाता है जहां पे एक राजा की बेटी यानी कि रानी नहा रही थी। वो बीरी देख के हाथे धर लाए और खोलो ही, वो पत्ते का बीरी जो है उसको देख करके क्या करती है, मोड़ा हुआ पत्ते जो है उसमें उसको वो खोलती है, खोल करके देखती है कि इसमें सोना की तरह चमकता हुआ बाल है। अब ये बड़ा ये हो जाती है मतलब मंत्र मुग्ध हो जाती है ना, मंत्र मुग्ध हो जाती है और क्या होता है, जहां खोलो ही बीरी, बीरी खुला तो राजा की बेटी चुईल के देख मोहित भय जाए। अब जब बीरी खुला, पत्ते का जो बीरी था वो खुला, तो खुलने के बाद मोड़ मोड़ के पत्ते उधर मोड़ के भेज दिया था ना एकदम से, अब वो जब खुला तो खुला के बाद क्या देखती है कि वो इसमें चुईल देख के मोहित हो गई, यानी कि बाल को देखते ही इसको प्यार हो गया, बाल को देखते ही प्यार हो गया, समझ रहे हैं, पहली नजर प्यार हो गया। और नजर भी किस पे पड़ा है, तो उस लड़के के बाल पे पड़ा है, ऐसा प्यार होता है का बताएं। यहां पे तो साक्षात दर्शन करने के बाद भी धोखेबाजी चल रहा है यहां, और वहां देखो जिसके मन में सच्चा प्यार हो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अब क्या कहें, ऐसा दुनिया तो अब रहा नहीं, दुनिया बदल गया है, खैर छोड़िए। तो चुईल देख करके मोहित भय जाई, चुईल सोना लखे खूब चमके। अब इसका जो चुईल था बाल जो है वो सोना की तरह चमक रहा था, लड़की उस बाल को देखकर पूरी आकर्षित हो गई, राजा की बेटी, अब उसके लिए दुनिया में क्या संभव था, वो जो चाहती सो मांग लेती। अब इतने सुंदर चुईल के कर है भाई, इतने सुंदर चुईल तो है तो लड़का कते सुंदर हुए, अब इमेजिनेशन शुरू, कल्पना करना शुरू, और जवानी में कल्पनाएं तो और होते रहती हैं। तो ये लड़की सोच रही है, रानी अब राजा की बेटी है, राजकुमारी जो है, सोच रही है कि जिसका बाल इतना सुंदर है वो लड़का कितना सुंदर होगा,
कितना सुंदर होगा, अब कितना सुंदर होगा, खूब सुंदर है भाई, जंगल में पला बड़ा है, एकदम बढ़िया इन्वायरमेंट में, अब भैंस का दूध पी के बड़ा है, कोई मसाला मैगी थोड़े खाया है जो सही नहीं रहेगा, हिला उला रहेगा। तो इतने सुंदर चूल के करे भाई, इतने सुंदर चूल है, मतलब बाल इतना सुंदर है, तो लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप जगुन गेली और वो उस लड़के का चूल यानी कि केस को लेकर के, बाल को लेकर के अपने बाप यानी कि राजा के पास गई और केस दिखाए के कली बाप ये केस जकर हताए, हमें ओकरे से बिहा करब। बाप को बोल दी कि बाप सुनो, ये जो बाल है ना, ये जो चूल है ना, ये जो सोना की तरह चमकता हुआ बाल आप देख रहे हो ना, ये जिसका भी है हम उसी से शादी करेंगे, शादी करेंगे तो इसी लड़के के साथ जिसका ये बाल है। राजा भी केस देख के मोहित भय जाए। अब सोचो राजा भी वो बाल देख करके, अब उसको तो भाई उसको भी तो सुंदर दामाद चाहिए ना, बढ़िया सा हट्टा कट्टा मजबूत सा एकदम, तो वो भी बाल देख करके मोहित हो गया, पूरा मोहित हो जाता है। रोकर आप बेटी ब्याह के चिंता रहे और वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर ले हल, कतना होगा यहाँ पे, ठीक है। लड़का ढूंढने के लिए अपने ठाकुर को भेजा है ना। अब ये क्या हुआ, लड़का इसको तो भाई दामाद का जरूरत था, अब बेटी बड़ी हो गई तो इसको भी तो ब्याह का टेंशन है, तो एक ठाकुर को लड़का तब से मतलब ढूंढने के लिए कई बार कई जगह पे भेजा वो गोटे राज में, और वो गोटे राज में क्या करता है राजा, अब इसको तो पता चल गया ना कि बेटी किस लड़के से शादी करना चाहती है, तो पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा देला, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। क्या पिटवाया कि केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाला, आखिर ये जो चुईल है, ये जो बाल है सोना की तरह चमकने वाला, वो किस लड़के का है, उसको ढूंढ को निकालो, और बदले में मैं क्या दूंगा, तो मैं उस लड़का संग अपनी बेटी का ब्याह दूंगा, यानी कि अपनी लड़की का, राजकुमारी का ब्याह कराऊंगा और आधा राज्य दहेज में दे दूंगा। बोल दिया, घोषणा कर दिया कि इस लड़के को पकड़ करके लाओ, इस लड़के को मैं अपनी बेटी से ब्याह करवाऊंगा और बदले में इसको आधा राज्य भी मैं दे दूंगा। राजा का आदमी चारों बटे पसर गया, अब राजा के जो आदमी थे चारों तरफ फैल गए और कुछ गांव गांव कुछ बोलने खारे, कुछ गांव गांव में फैले, कुछ जंगल झाड़ में जहां तहां फैल गए। खोजते खोजते राजा का आदमी सय बोर घास तक पहुंचला जहां वो लड़का रह ले। अब वो लड़का उन्हीं भैंसों के साथ रहता था, तो इसको जो राजा के आदमी थे इस लड़के को ढूंढते ढूंढते उसी बर पेड़ के नीचे चले गए जहां पे भैंस के साथ वो लड़का रहता था। अब लड़का के वो सब देखत तो फिर लड़का के सब बात बताई देते, अब लड़का मिल गया तो लोग जो थे राजा के आदमी जो थे वो सब लड़के से सारी बात बता देते कि देखो ऐसी ऐसी बात है, राजा की बेटी पगलाई है, तुमसे प्यार में पड़ गई है वो, और राजा भी एकदम तैयार है, राजा का भी मन पूरा तुमसे शादी करने का है अपनी बेटी का। तो लड़का कहला है देखा भाई सब हमरा इस सब देखो, लड़का जंगल में रहा, भैंसों के साथ रहा, लेकिन उसके दिल में इंसानियत रही, वो जानवर नहीं बना, और यहां इंसान इंसानों के बीच रह रहा है, आदमियों के बीच रह रहा है, लेकिन हैवान बन जा रहा है। ये क्या कह रहा है, देखो साफ साफ उन लोगों को कहा कि देखो भाई साहब, हम जो है मेरा पालन पोषण इन भैंसों ने किया, अगर ये सब मुझे इजाजत देता तो हमें ब्याह कर ले, अगर ये सब मुझे इजाजत देते हैं तो वो राजकुमारी ही क्यों ना हो, मैं ब्याह कर लूंगा, कोई गरीब ही क्यों ना हो, ऐसा उसका मन था। लेकिन कितना बड़ी बात कह रहा है कि राजकुमारी से इसकी शादी होने की बात चल रही है, मगर ये भैंसों की इजाजत लेने के लिए पहले लड़ जाता है, कहता कि नहीं, मेरा जिन्होंने पालन पोषण किया मैं उनका इजाजत लूंगा, अगर वो इजाजत देते हैं, कौन इजाजत, मतलब भैंस सब अगर इजाजत देते हैं तब मैं राजकुमारी से शादी करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, ऐसा इसका कहना था। सब से हमारा राय लिएदा तबे हमें कोनो कहब, लड़के ने कहा मुझे जिन्होंने पाला भैंसों से मुझे राय लेने दो, तब मैं आप लोगों को जवाब दूंगा कि मुझे क्या करना है। राजा का आदमी भूई, भूई मतलब यहां भूई लिखा गया, भूई होगा भूई, राजा का आदमी भूई मतलब धरती के, अच्छा भैंस, भैंस होगा यहां पे, ठीक है भैंस होगा, भैंस है ना, भैंस होगा, इसको भैंस पढ़िएगा। तब भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जा, सब वहीं पे जमीन पे बैठ जाते हैं, किस लिए कि भैंसें आएंगी अपना राय बतलाएंगी आखिर करना क्या है। तो सांझ बेरा भैंस सब आवोहत, शाम को सब भैंस लोग जानवर जितने थे जंगल से अपना चारा वारा यानी कि चर करके वापस अपने जगह पे लौटते हैं, तो सब बात सुनाई दे जाए, तो सारी बातें भैंसों से सुना दी जाती है कि ऐसे ऐसे बात है। अब भैंस सब राय सलाह करहत और कहत हाँ हाँ लड़का जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहा, जे से जो बिहा कर। अब भैंसों ने भी राय दिया, सब आपस में सलाह मशवरा किए, सलाह में ये निकला फैसला, आखिरी फैसला कि नहीं नहीं लड़का का शादी होना जरूरी है, सिंगल थोड़े मरेगा, कुंवारा थोड़े रहेगा, अब सिंगल के लिए बेजोड़ा शब्द इस्तेमाल होता है खोरठा,
बोला कहले मरेगा कुमारे, नहीं 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 ऐसा नहीं करना, जाओ तुम ब्याह कर लो, ऐसा ऑफर दोबारा बार बार मिलेगा, जाओ जाओ शादी तो करना ही है, इसलिए जाके शादी कर लो। फिर क्या होता है, तो लड़का के राज दरबार में लाना जाए। अब जब इजाजत मिल गया भैंसों का, तो लड़का जो है राज दरबार में आया। अब राज दरबार में आने के बाद फिर राजा ओकर नाम ठेकान, राजा जो है वो लड़का को उसका नाम ठेकान यानी कि उसका पता उता नाम वगैरह पूछता है, ठीक है। अब पूछने के बाद क्या होता है, जब लड़का को नाम वाम पूछा गया तो राजा उस सब कुछ बता देता है, राजा सारी बातें बता देता है। फिर राजा अपन बेटी संग होकर ब्याह कर देला है और घोड़ा हाथी में बारात के सजा के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर ले। अब राजा यही तो चाह रहा था, इसको तो ढूंढ रहा था, थोड़ा पूछताछ किया, फॉर्मेलिटी निभाया, निभाने के बाद अपनी बेटी के साथ इसका ब्याह करा दिया। और ब्याह कराने के बाद पूरा घोड़ा हाथी के साथ बारात को सजा करके ढोल ढाक के साथ अपना बेटी और दामाद का विदा कर दिया, समझ रहे हैं, विदा कर दिया। बारात पहुंचा लड़का के गांव। अब बारात लेकर के ये लड़का कहां गया, तो अपने गांव गया। कौन सा गांव, जहां पे उसकी बूढ़ी आजी, वो बुढ़िया रहती थी। तो बारात लेकर के लड़का अपने गांव आया और ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सूतल हली। तो देखता क्या है कि उसकी बुढ़िया आजी जो है, दादी जो है, वो बीमार है और खटिया पे सोई हुई है। लड़का और उसकी बीवी जानी जो है वो हाथी से नीचे उतरते हैं और दोनों बूढ़ी गोड़ लागला यानी दोनों बूढ़ी को प्रणाम करते हैं पैर छू करके। बूढ़ी खाटी से गत्ते गत्ते उठली और उठ के बैस गली। फिन कहो ही तो के लागा राजा और हम और हमें गरीब बूढ़ी के काहे गोड़ लागा। अब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप हैं कौन और आखिर मुझ गरीब बुढ़िया के को पैर छू के प्रणाम क्यों कर रहे हैं, हमारे जगुन कुछ ना है बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लड़का यापन याजी के अखबार के पकड़ ले आर कान कान कहे है हमें तोर नाती लागी आजी, तोर नाती जकरा बाग लेके भागल हल। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, आखिर आप मेरा प्रणाम, मेरे पैर छू के प्रणाम क्यों कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो रोने लग जाता है उसका नाती और अपने दादी को कस के गले लगा लाता है, उसी को हम लोग अखबार भर के कहते हैं खोरठा में। तो अखबार भर के यानी कि कस के पूरा पूरा गले लगा लेता है अपनी याजी को और बोलता है कि याजी हम तो नाती लागी हो याजी, वही नाती जिसको बचपन में बाघ लेके भाग गया था, अरी हम जनी लागी, अरे जो मेरे साथ में तुम देख रही हो ना, ये मेरी बीवी है, पत्नी है। उसके बाद बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दुइयो के अखबार ले ही। जब ऐसे सुनती है बूढ़ी, सोचो कि वर्षों की तड़प कहां आके बूझी है ना, कितने कहां कब के बिछड़े हुए आज हम कहां आके मिले, है कि नहीं, यही हाल है, कब के बिछड़े हुए थे ये सब और कहां आके मिलते हैं। तो बुढ़िया भी खुशी से अपना नाती को और नतीन पुतो को एकदम गले लगा लेती है, अखबार भर लेती है और वो बेचारी वो भी रोने लगती है ना। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लगा है। उसके बाद ये तीनों जो है वो हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। अब तो कोई कष्ट भी नहीं था, अब तो गरीबी भी खत्म और जो बिछड़न था वो भी खत्म, वापस आकर के सब मिल गए, एक हो गए। और इसी के साथ ये कहानी जो है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे, एक MCQ सेशन देखते हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा और MCQ जरूर सॉल्व कीजिएगा। अरविंद कुमार का संकलित ये कहानी लोक कथा हमने पढ़ा और हमने लाइन बाय लाइन देखा, हर एक चीज देखा, सब कुछ समझा, ग्रामर भी हमने देखा। अब आइए हम लोग इसका MCQ देखेंगे, मगर इस सेशन में नहीं, इसके बाद वाले सेशन में। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, झार पाठशाला के साथ बने रहने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करना, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता कहने में, पर नया चैनल है तो आपका अपना चैनल है, तो इतनी जिम्मेदारी आप जरूर ले सकते हो, इतना मदद मेरी जरूर कर सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।